उधर खबर है कि पशुपति पारस अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भागम भाग मच गई। सूत्रों ने बताया कि चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज भी पशुपति पारस का साथ छोड़ सकते हैं और पाला बदलकर चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हिस्सा बन सकते हैं। यानी शुरू से ही पशुपति पारस के साथ रहे प्रिंस राज भी चिराग गुट में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, खबर है कि प्रिंस राज के अलावा चंदन सिंह भी पाला बदल सकते हैं, जबकि पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि उनके प्रिंस राज और चंदन सिंह की सीट फिक्स है। सूत्रों ने बताया कि ये तीनों सीटें हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा थी, लेकिन पशुपति पारस के किसी ऐलान से पहले ही खबर आ गई कि प्रिंस राज और चंदन सिंह चिराग के साथ जा सकते हैं। यानी पशुपति पारस की सियासी मुश्किल बढ़ सकती है। खबर तो ये भी आई कि महागठबंधन में पशुपति पारस को तरजीह नहीं मिल रही है। इस चक्कर में पशुपति पारस को पार्टी के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग टालनी पड़ी क्योंकि सूत्रों ने बताया कि पशुपति पारस को महागठबंधन में भी खास तवज्जो नहीं मिली, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि एनडीए में सीट नहीं मिलने पर वो आरजेडी नेताओं के संपर्क में हैं। लेकिन सूत्रों ने खबर दी कि पशुपति पारस को महागठबंधन में कुछ खास तरजीह नहीं मिली और वो इसका कोई तोड़ निकाल पाते, उससे पहले ही खबर आई कि पशुपति पारस के खेमे से कई नेता चिराग के साथ जा सकते हैं। यानी पशुपति पारस अपने ही पार्टी में अकेले पड़ते दिखे और दूसरी तरफ चिराग पासवान बिहार की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुट गए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बिहार की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा की। हालांकि चिराग ने ये साफ कर दिया कि हाजीपुर से उनका लड़ना पक्का है। हाजीपुर वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। सूत्रों ने खबर दी कि चिराग जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को प्रत्याशी बनाएंगे। इसके अलावा समस्तीपुर से पार्टी के कार्यकर्ता संजय पासवान उम्मीदवार हो सकते हैं।